अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोहब्बत करना गलत है, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल करो मोहब्बत। अरे मोहब्बत इंसान की जिंदगी की सबसे जरूरी चीज है और सबसे खूबसूरत भी। दुनिया की हर लड़की को मोहब्बत करने का हक है और अपनी मर्जी से निकाह करने का भी हक है, मगर अगर वो हक ना मिले तो घर छोड़ के भाग नहीं जाना चाहिए। माँ बाप को समझाओ, वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें प्यार से समझाओ, बार बार समझाओ, एक बार ना समझे तो तुमने जी जान लगा दो, घर से मत भागो। और एक बात कभी मत भूलो, अगर पानी की बूंदे एक रफ्तार में पत्थर के ऊपर गिरे ना तो पत्थर भी पिघल जाता है, और वो तो हमारे घर वाले हमसे मोहब्बत करते हैं, उनका दिल कितना नाजुक होता है, वो भी एक दिन जरूर पिघलेंगे। अरे भाग जाना कोई हल नहीं होता है, मोहब्बत करती हो ना तो उसके लिए लड़ो, मगर मोहब्बत को तो बदनाम मत करो। और तुम शर्माती है मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते, कायनात के नाजुक दिल के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, तुमने भी भाई किया है जो आज तक मर्दात करता आया है, कायनात से सच्चा प्यार करते हो ना तुम, फिर भी अम्मी के कहने पर अपने जाती फायदे के लिए कायनात का इस्तेमाल किया है तुमने। शर्मानी चाहिए तुम्हें, अरे वो मर्द बुजदिल होते हैं जो एक औरत को हथियार बना के अपनी जंग लड़ते हैं, बुजदिल हो तुम। इस्तेमाल अब इसने मेरा इस्तेमाल किया, मैं कुछ समझी नहीं भाभी। हफीज का निकाह होने वाला है, ये झूठ बोलकर तुम्हें घर से भागने के लिए मजबूर कर दिया अम्मी के कहने पर, कायनात देखो हमारे पास वक्त बहुत कम है, तुम मेरे साथ भागने को तैयार हो तो ठीक, वरना जुम्मे के दिन अम्मी ने मेरा निकाह तय कर दिया। बहुत जल्द दुआ को हमारे मंसूबों के बारे में पता चल जाएगा हफीज, और उसके पहले हमें इस काम को अंजाम देना होगा। मम्मी जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। हफीज अभी जो बोला था दोहराओ। एक खुशखबरी है, कायनात मेरे साथ घर से भागने को तैयार हो चुकी है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अब तक तो तुझे इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैं हफीज और कायनात की मोहब्बत को इस्तेमाल करके अख्तर खानदान ने जो तुझ पर जुल्म किए हैं ना उसका बदला लेने वाली हूं। आप झूठ बोल रही हैं ना भाभी, ये झूठ नहीं है, यही सच है कायनात। बोलो ना हफीज, बोल दो कि भाभी झूठ बोल रही हैं। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, बोलो ना हफीज, प्लीज बोलो। जो तुमने सुना वही सच है कायनात। मैं और अम्मी तुम्हारे जरिए तुम्हारे घर वालों से बाजी पे किए हुए जुल्मों का बदला लेना चाहते थे। बदला तो क्या, हम पूरे अख्तर खानदान को एड़ी के नीचे रखना चाहते थे। पर कायनात, हमारा तुम पे जुल्म करने का इरादा नहीं था। मैं सच में तुमसे निकाह करना चाहता हूं। यकीन मानो कायनात, अम्मी तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती, वो तो बाइज्जत तुम्हें घर की बहू बनाना चाहती है। कायनात तुम झूठ मत बोलो हफीज,
पाजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये देखिए, मेरा और कायनात का निकाह नामा, बस इस पे हम दोनों के दस्तखत होने बाकी है बाजी। मैंने और अम्मी ने तय किया था कि हम कायनात को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैं कायनात को अम्मी के पास लेके जाने वाला था और हम वहां निकाह करने वाले थे। इसका मतलब तुम कायनात को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो? हाँ बाजी, आपको क्या लगा मैं कायनात की इज्जत के साथ खिलवाड़ करूंगा और उसे बदनाम करके छोड़ दूंगा? बाजी, कायनात मेरी मोहब्बत है और मैं अपनी मोहब्बत पे दाग लगाने का कभी सोच भी नहीं सकता। पर फिर भी जो कुछ भी हो, उसमें तुम्हें कायनात को घर से भगाना नहीं चाहिए था और तुम्हें घर से भागना नहीं चाहिए था। तुम दोनों ने बहुत गलत किया। खैर, हैदर यहाँ किसी भी वक्त आते होंगे। तुम दोनों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हैदर से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात करूंगी और कायनात को हम धूमधाम से दुल्हन बना के अपने घर लेके आएंगे। पर हाँ, तुमने जो कायनात के साथ किया, तुमने गलत किया। भले ही तुम्हारी नीयत उसे नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, मगर तुमने उसे अंधेरे में रखा। इसीलिए अगर कायनात तुम्हें माफ करती है, सिर्फ तभी मैं हैदर से इस बारे में बात करूंगी। कायनात, आगे तुम्हारी मर्जी। कायनात, मुझे माफ कर दो। बस तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें सब बयां कर रही हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।